गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आप सबको आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस समय सुबह का समय है। सो वी जस्ट बॉट द ग्रॉसरी। जैसे आपने देखा कि हम ग्रॉसरी शॉप में गए थे और हमने सब कुछ ख़रीदा जो ज़रूरी सामान था। तो आज मैं बनाने वाला हूँ ब्रेकफास्ट। ये कोई फूड कोई स्पेशल चीज़ नहीं जो बनाने वाला हूँ, बट जस्ट वॉन्ट टू शो यू कि ये हमारा जो किचन है विच जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो ये चाय वगैरह हमारी यहाँ पर मैंने रख दी है। सो ब्रेड और ऑमलेट का कुछ मिक्सचर सा बनाते हैं आज की तरफ। तो यहाँ पे से मैं कुछ अंडे ले लूँगा जी, रख देता हूँ यहाँ पे मेरे कुछ समस्या ना हो। तो सोचा कि क्यों छोटा सा वीडियो जो है वो आपके साथ साझा किया जाए। हालांकि मैं कोई बड़ा अच्छा शेफ नहीं हूँ, बस ये है कि हमारे जो सर हैं ये खुश रहे हैं सर। मैंने बोला मैं कोई बड़ा शेफ नहीं हूँ, पर चलो छोटा मोटा काम करके चलो हम खुश रहे। अंडे कितने? काफी कितने? बहुत अच्छा आप शेफ हो। अच्छा तो कितने चाहिए अंडे? छः। ठीक है जी, छः अंडे ले लेते हैं। और हाँ समझिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई दो पीस कर ही देना। राइट, तो कोई यूनिक चीज़ नहीं है, बस हम ऑमलेट के टाइप का बनाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड सी कि मैं कैसे बनाता हूँ, और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कोई सजेशन। सो फ्रेंड्स, मैंने ये कुछ चिलीज ले ली है, आई गॉट सम मैक्स हियर। और ये एक पॉट होगा जिसमें मैं अंडे को क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, फॉरगॉट। तो चलो मित्रों, मैं सबसे पहले आई ऑल्सो नीड सम ऑनियन। तो एक प्याज ले लेता हूँ। सो मुझे चाहिए होगी छुरी जो कि यहाँ पे है। और चलते हैं जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ऑनियन जो है वो उसको काटूंगा। तो मेरे ख्याल से एक जो ऑनियन है वो काफ़ी होगा, बाकी जैसा आप चाहते हैं अपने अनुसार आप काट सकते हैं। सो आई जस्ट लाइक टू टेक वन। तो इसको थोड़ा सा पतला पतला काट लेंगे जी। थोड़ा सा अंदर से खराब था ये। थोड़े से ढीले हैं फिर भी चलेगा। तो जैसे मैंने कहा कि मैं कोई ज़्यादा बड़ा शेफ नहीं हूँ, बट टाइम पास के लिए चलो हम आए हैं यहाँ, थोड़ा अपना नाश्ता बना दे तो अच्छा है, क्योंकि अपना बनाया हुआ नाश्ता जो है वो थोड़ा सा हमें सस्ता पड़ता है। मेहनत ज़रूर लगती है बट अच्छी बात है, थोड़ा घर का टाइप का खाना हो जाता है कि जैसे हम घर में खाना पसंद करते हैं, घर के खाना का। घर में बनाते रहते थे इसलिए थोड़ा बहुत जानते हैं कि किस प्रकार छोटा मोटा जो खाना है वो बनाया जा सकता है। सो बस वही छोटा सा सीखा हुआ खाना बनाना आज जब हम घर से बाहर हैं तो काम आ रहा है। तो इट्स नॉट कोई प्रोफेशनल वाला काम नहीं है, बट जस्ट तो मेरे प्याज हो गए हैं। तो मैं इसको थोड़ा जो वेस्ट है थोड़ा मैं इसको फेंक देता हूँ। उसके बाद सर, उसके बाद आगे हमारे जनाब अनियन, सॉरी एग्स। तो छह अंडे हमने ले लिए हैं। सो आई विल ब्रेक इट और इसमें हम डालेंगे इसको।
एक किस्म का ऑमलेट टाइप ही कुछ बनाऊंगा मैं। व्हाट आई डू, वैसे आप देख लेना, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन व्हाट आई वांट टू डू, लेकिन जस्ट सी दैट, क्योंकि कुछ ना कुछ इंस्टेंट चाहिए जो हमें बनाने को। सो आई विल जस्ट टेक सम ग्रीन चिलीज, तो कुछ छोटे छोटे इनको काटूंगा मैं, और बाकी चिलीज भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। कुछ लोग तीखा पसंद करते हैं, कुछ लोग हल्का तीखा, कुछ लोग बिल्कुल सादा, यानी कि चिल्ली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सो वी वुड लव टू हैव लिटिल चिल्ली इन अवर ऑमलेट, सो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा उसको जस्ट से कि फ्लेवर्स के लिए। अब मैं इसमें डालूंगा जी थोड़ा सा नमक, अलग 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 राज्य के नमक जो है वो अलग प्रकार के होते हैं, सो आई डोंट नो हाउ सॉल्ट दिस इज, बट फिर भी मैं एन एवरेज जो है वो डालूंगा ताकि ज़्यादा नमक ना हो जाए। अच्छा भाई आ जा, नहीं आ रहा। तो ये कोई नमक है, कैप्टन कुक, कैप्टन कुक नमक शायद, यहाँ गोवा का लोकल कोई ब्रांड होगा ये नमक का। ज़्यादा नहीं लूँगा, बस थोड़ा सा इतना सा लिया मैंने। गुड बैक, तो थोड़ा सा उसको, मुझे नहीं मालूम उसको क्या बोलते हैं, बट डोगरी जी से बोलते हैं फैंटना। सो उसको बाद में पहले मैं साइड देता हूँ डस्ट करके। फैंट रहा हूँ, सॉरी टू यूज दी डोगरी वर्ड, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मैं ज़रूर जानता था कि उसको अंग्रेजी या हिंदी में क्या बोलते हैं, बट मेरे माइंड से स्किप हो गए। सो दिस इज हाउ आई डू इट। सो ज़्यादा नहीं इसको मैं करूँगा, बट जस्ट थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करके ताकि नमक जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि ऑमलेट जब हम बनाते हैं तो किसी किसी जब ऑमलेट जब हम पकाते हैं, पकने के बाद क्या होता है कि किसी किसी जगह में वो नमक होता ही नहीं, किसी किसी जगह में किसी बाइट में नमक बहुत ज़्यादा जाता है। सो आई वॉन्ट टू बी केयरफुल कि ऐसा ना हो, इसलिए थोड़ा सा उसको ज़रा नहीं, दो तीन पाँच मिनट अच्छे से उसको ऐसे करेंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ताकि मुझे याद आए। तो ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, सो आई विल बी कीपिंग दिस स्टफ बैक फ्रॉम वेयर आई पिक दिस, और अब मैं तैयारी करूँगा। आई नीड तवा फॉर दैट, तो अभी फ़िलहाल चाय के लिए रखा था, बट वी आर नॉट गोइंग टू, आई थिंक वी शुड ट्राई, हम चाय भी साथ साथ में बनाएंगे। थोड़ा इसको सफाई रख देते हैं जी। सो जस्ट वांट, मुझे कोई ऐसा कपड़ा चाहिए जिससे हम इसको साफ सफाई भी साफ रख सकें। सो आई एम लुकिंग फॉर सम क्लॉथ्स, आई डोंट फाइंड एनी हियर, लेकिन शायद ये वाला जो कपड़ा है दैट कैन बी यूज्ड टू क्लीन द शेल्फ्स। सो मित्रों, जैसे कि मैंने आपको बताया चाय रखी, और चाय भी हम साथ साथ बनाएंगे ताकि काम फास्ट हो जाए। सो दिस इज, आई हैव टर्न्ड ऑन द गैस, देखेंगे थोड़ी सी व्हाट इज ओके। सो वी वांट सम चाय पत्ती, यहाँ पर ये चीनी है, एंड ऑब्वियसली मिल्क आई थिंक विल बी इन द रेफ्रिजरेटर। तो जब चाय बनाने का भी अपना अपना तरीका होता है सबका। सो तरीका में सेंस की मतलब, कोई चीनी डालता है पहले, कोई बाद में डालता है, सो कोई ज़्यादा डालता है, कोई कम डालता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की चाय पसंद करते हैं। सो मैं क्या करता हूँ कि जब तक ये पानी उबलेगा, सो व्हाट आई डू दैट, जब ये उबलेगा तो थोड़ा सा फिर मैं इसमें चाय पत्ती डालूंगा, बट चीनी मैं इसमें पहले डाल दूंगा ताकि जब साथ साथ ये उबलेगा तो
चीनी जो है वो भूल चुकी होगी, सो टेक सम चीनी। सो मेरे जो मित्र हैं उन्होंने कहा कि चीनी कम ही डालना, सो आई वॉन्ट पुट मच चीनी, सो दिस इज द चीनी आई हैव पुट, दिस इज इनफ आई थिंक। सो जब तक ये उबलेगा तो तब तक हम इसमें चाय पत्ती डालेंगे एंड देन दूध भी डाल देंगे। चाय यहाँ पर मैंने रखी हुई है जैसे आप जानते हैं, सो आई गॉट दिस तवा फ्राई पैन। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि अपनी जो गैस दूसरी तरफ है यहाँ से मैं इसको जलाऊँगा, ये जल गई गैस और ये फ्राई पैन में रखूँगा यहाँ पर। इसमें मैं मित्रों क्या करूँगा, ये जो ब्रेड है यू कैन सी दैट आई विल टेक वन स्लाइस, एक लूँगा इसमें भिगो कर एंड देन आई विल फ्राई इट। शॉर्टकट फार्मूला, पहले मैं ऑमलेट बनाऊँगा फिर ब्रेड को गर्म करूँगा, सो इट विल टेक टाइम, तो जल्दी वाला काम अच्छा है। सो लेट्स सी हाउ आई डू इट। जी हमारा वेजिटेबल ऑयल, हालांकि ये पैकेट में था बट फिर मैंने उसको बॉटल में ट्रांसफ़र कर दिया, सो दैट जब हम पैकेट को खोलें तो वो पैकेट गिर ना जाए बाद में इस्तेमाल करने के बाद। सो आई पुट दैट इन टू द बॉटल ताकि सेफ रहे। सो ओके तैयारी शुरू करते हैं। सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर सम प्लेट ताकि उसमें हम रख सकें। तो यहाँ से मैं ले लूँगा जी कोई एक प्लेट, देर आर सम प्लेट्स बट आई, सो यहाँ पर कुछ प्लेट्स हैं, सो आई विल टेक, काफ़ी होगी ये भी, सो छोटी है बट काफ़ी। सो मित्रों ये मैंने रख दी अपनी प्लेट यहाँ पे, और ये चाय के लिए है ताकि जब चाय बन जाएगी सो चाय इसमें आ जाएगी। सो अभी क्या करेंगे जी, मैं थोड़ा कैमरा अपना एडजस्ट कर लेता हूँ बिकॉज आई कैन नॉट यू नो कैरी द कैमरा अलॉन्ग विद व्हाट आई एम डूइंग, सो लेट मी ट्राई टू एडजस्ट दिस कैमरा। सो मित्रों वैसे तो मैंने कोशिश कर दी है कि मेरा कैमरा मैंने अच्छे से सेट कर दिया होगा, आई डोंट नो इफ यू कैन सी प्रॉपरली टू मी ऑन दी, सो थोड़ा सा मैं गैस कर देता हूँ, थोड़ी सी गैस कर दी है एंड पुट सम वेजिटेबल ऑयल के, और जो अब हम अपना बनाएंगे ब्रेड को ऑमलेट में भिगोकर कुछ नई चीज। सो यू मस्ट हैव डन दिस आल्सो, हालांकि मुझे इसका नाम नहीं मालूम क्या इसको कैसे क्या बोल सकते हैं, बट ये भी मुझे कमेंट में बताएं कि इसको क्या बोलेंगे। उठना नहीं तो बनाने खाने लगे हो
सर्फ पाए
इंस्टेंट फूड ये बना दिया। चलते हम चाय डालते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत हौसला मिलेगा। सो, दूसरों की खुशी को कारण बनिए तो मैं बहुत खुश हूँगा आपके द्वारा सब्सक्राइब करने से। आप कारण बनेंगे मेरी खुशी के लिए। सो, अगली वीडियो के साथ जल्दी ही आपके सामने पेश होगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद और जय गोवा। स्टे सेफ। स्टे सेफ।